क्या आपने अपनी लाइफ में सबसे दुख का समय उस इंसान की वजह से देखा जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्यार था, जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे, उसी ने आपको सबसे ज़्यादा दुख दिया है? सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू कि अगर आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या सब कुछ चल रहा है इन लोगों की लाइफ में। ठीक है, सो कुछ पास्ट कनेक्ट करते हुए, प्रेजेंट से होते हुए कुछ गाइडेंस की तरफ जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम नेक्स्ट रीडिंग है। सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, तो क्या कुछ चल रहा है यहाँ देखते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती हैं, सो प्लीज़ एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो भी विशेज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन हैं, विशेज़ हैं, क्योंकि विशेज़ तभी पूरी होती हैं जब आप बोलते रहते हैं या आप लिखते रहते हैं। ओके, एंड आपकी विशेज़ को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेयर्स में सेंड कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। बीच में ब्रेक करेंगे, स्किप करेंगे तो एनर्जीज भी ब्रेक हो जाती हैं। सो चलिए, शफलिंग मेरी हो चुकी है, अब मैं स्प्रेड लेना स्टार्ट कर रही हूँ एक प्रेयर के साथ। आप पॉजिटिव हो जाइए, दिमाग में अपने पार्टनर का नाम, जिसके भी बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, आप अपने पार्टनर के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है इनके पर्सन की लाइफ में। चलिए फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है, कनेक्ट हो जाइए पॉजिटिविटी के साथ। ओके, सो कुछ पास्ट कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड इधर निकल करके आया है, ये है टावर का कार्ड। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर टावर आ गया है। सेकंड आया है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि ऐड हुई है। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट आया है एट ऑफ स्वॉर्ड, तो पास्ट लेते हैं पहले कुछ, ठीक है, पास्ट एनर्जीज आ रही हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है नेक्स्ट। टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए ये एनर्जीज रीड करते हैं, फिर और कार्ड्स लेंगे। सो क्या हुआ है, देखो पास्ट में क्या हुआ है, यहाँ आपकी लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में ना मोमेंट्स अच्छे चल रहे थे, शुरुआती मोमेंट्स, जब आप दोनों की न्यू बिगनिंग हुई है ना, जब आप दोनों की न्यू बिगनिंग हुई है लाइफ की, जब आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हो, ठीक है। सो आप दोनों का टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा था, आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था, रोमांस भी काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। एंड शुरू शुरू में कोई ज़्यादा इश्यूज़ आप दोनों की लाइफ में नहीं रहे हैं, ठीक है, आपने ओपन हार्ट के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है ना। यहाँ प्यार का फ्लो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लव अफेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहा है। सो पास्ट में कुछ यहाँ पर गलत नहीं रहा है आप दोनों के बीच में, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट किया है और आपने आपके पार्टनर को सपोर्ट किया है, ठीक है, एक हार्मनी आप दोनों में मेंटेन रही है। और आप दोनों का अगर शादी हो चुकी है आप लोगों की, तो यहाँ पर आप दोनों की मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, आप में से कई लोगों के पास बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, राइट, तो भी आप लोगों ने अपना जो टाइम है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेंड किया है, और आप लोग कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाह रहे थे, आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाह रहे थे आपके पर्सन से कि वो कमिटमेंट दे और आप अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल पे जाओ, ठीक है। सो एक कमिटमेंट आप ज़रूर चाह रहे थे आपके पार्टनर से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे शादी करना चाह रहे थे या फिर आप एंगेजमेंट करना चाह रहे थे। लेकिन हाँ, आप लोग अगर अनमैरिड रहे हैं तो आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना ज़रूर चाहते थे, लेकिन सब अच्छा चल रहा था, ठीक है। सब अच्छा चलते चलते आप दोनों की लाइफ में काफ़ी अचानक से काफ़ी
चेंजेस आए हैं, ठीक है, आप दोनों की लाइफ में काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस आए हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप में चेंजेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है, आप दोनों का सेपरेशन दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर कट सेपरेशन आप दोनों का यहाँ निकल के आया है, ठीक है। आप दोनों की लाइफ सेपरेट हुई है, आप दोनों के इमोशन सेपरेट हो गए, आप दोनों सेपरेट हो गए थर्ड पार्टी की वजह से। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ ज़रूर काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। अब दो सिचुएशंस है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है और थर्ड पार्टी कोई और हस्बैंड वाइफ फ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको टावर मोमेंट दिया है, आपसे सेपरेशन दिया है, राइट। एंड आप में से कई लोगों को तो पता भी नहीं चला कि आपको आपकी ज़िंदगी में आपके पीठ पीछे ये सब चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों को पता चला है तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हालत आपकी हुई है, ठीक है। आप बिल्कुल अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी नर्क बन गई है, बहुत स्ट्रगल हो गया आपकी लाइफ के अंदर। आप लोग की लाइफ में काफ़ी पेनफुल जर्नी आपने देखी है, मतलब कहाँ आप लोग इस लेवल पे थे और कहाँ आप लोग इस लेवल पर आ गए, ठीक है। सो ये लेवल से ये लेवल की जर्नी, अच्छा खासा लाइफ चल रहा था, अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था और फिर ये टावर मोमेंट, सारी फसाद की जड़ रही है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। इसने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इस और आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपका साथ इस तरीके से छोड़ा है कि आपकी खुशियों को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। और कमाल की बात ये दिखाई दे रही है मुझे कि आप दोनों में बिगड़ा सब कुछ, ठीक है, ब्लेम आपके ऊपर ही लगाया गया है ना, कटघरे में आपको ही खड़ा किया गया, सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर ही लगाए गए, राइट। दुख भी आपको दिया गया, तकलीफ आपको दी गई, अकेला आपको छोड़ा गया, आपके बारे में तो सोचा ही नहीं इन्होंने, ठीक है। सिर्फ और जैसे ही थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी आपके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। इस तरीके से आपने बदलाव देखा होगा इनकी बिहेवियर में, इनके बात करने के तरीके में, अगर हाँ तो यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि इतना ड्रास्टिक चेंज कि यहाँ पर इतने अच्छा इमोशंस, इतनी अच्छी बिगनिंग, इतना अच्छा आपका रिलेशनशिप और फिर टावर मोमेंट थर्ड पार्टी की वजह से, और आपका दुखी होकर रोना, रात भर आप सो नहीं पाते थे, राइट, आप दिन भर रोते रहते थे, इस कदर तकलीफ़ में आपने आपको इस पर्सन ने और इस थर्ड पार्टी ने डाला कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अंधेरे में चली गई है ना। यहाँ बिल्कुल क्लियर कट कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पर कार्ड्स लेने की कोशिश करते, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड, सेवन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, सेवन नंबर रिपीट हो रहा है, हेरोफेंट। सो देखो यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल रही है आपकी जर्नी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है। आपके पर्सन ना आपके पर्सन के कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। अभी जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिचुएशन में ये अभी दिखाई दे रहे हैं ना आपके पार्टनर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी इनका स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, ये खुश नहीं है बिल्कुल भी, इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो जो ये सोच करके या थर्ड पार्टी में गए थे ना, काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंज हो रहा है। गए तो बहुत तेज़ी से थे, देखो, ठीक है, स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, आपको छोड़ के जाने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी थी इनको, आपने समझाया बुझाया सब कुछ किया, लेकिन इनको फर्क समझ में नहीं आया, ठीक है। इनको गए तो बहुत ज़ोर से बहुत तेज़ी से, लेकिन अभी चल रहा है स्ट्रगल, ठीक है। इनको था कि थर्ड पार्टी में जा कर के इनके सपने पूरे हो जाएंगे, थर्ड पार्टी में जा कर के इनको इमोशंस मिल जाएंगे, इनको प्यार मिलेगा, जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, एक अच्छा पार्टनर, ब्यूटीफुल पार्टनर, पैसे वाला, जो भी कुछ इनकी ज़िंदगी में इनके सपने रहे होंगे, ठीक है, ये अपने सपनों के पीछे भागते रहे, पैसों के पीछे भागते रहे, ठीक है, इंसानों के पीछे भागते रहे, लेकिन अब क्या है, अब इनकी ज़िंदगी में हो गया बहुत स्ट्रगल, भागते भागते कहीं ना कहीं ये थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा,
ठीक है, हो सकता है किसी से यहाँ पर सलाह मशवरा कर रहे हो, डॉक्टर से कमिट, डॉक्टर से कहीं ना कहीं बात कर रहे हो सकते हैं, यहाँ कहीं कि कई लोगों के ऊपर यहाँ पर मुझे कुछ लीगल एक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई कोर्ट केसेस के चक्करों में फंस गए हैं ये, ठीक है, कुछ एक्शंस यहाँ पर लिए जा रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है इस थर्ड पार्टी की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से इनकी लाइफ में। हो सकता है आपने केस किया हो, राइट, आपकी तरफ से भी केस किया गया हो सकता है यहाँ पर, बट हाँ इनके सपने ही रह गए हैं, राइट, जो भी इन्होंने सोचा होगा वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा ही रह गया है, राइट, एंड ये थर्ड पार्टी की वजह से बहुत बहुत स्ट्रगल में है अभी, क्योंकि उस थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, ठीक है, आपको छोड़ा था, और कहीं और ये भी चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ कार्ड्स के अंदर कि आपको छोड़ के तो चले गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ यादें आपकी इनको सता रही है, अब इनको ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, सही गलत का समझ में इनको आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कौन सही था कौन गलत था, किसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, किसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती चली गई हैं, राइट, इनको अब ये ना इस बोझ अब ये बोझ ना इनसे उठ नहीं रहा है, ठीक है, अब इनको चाहिए कोई सहारा, कि कोई ऐसा सहारा मिल जाए जो इनको संभाल सके, ठीक है, सहारे के उसमें अभी इनको आप ही दिखाई दे रहे हो, राइट, कि आपने पास्ट में भी हमेशा इनका सहारा दिया है, बहुत अच्छे से आप इनके साथ खड़े रहे हो, इमोशनली हमेशा कनेक्टेड रहे हो, आपने हमेशा इनको दुख में सुख में सब में आपने इनका साथ दिया है, तो अभी भी वो आपका साथ ही यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, लेकिन अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, आप नहीं चाहते तो लिखिएगा मूव ऑन, और आप चाहते हैं न्यू पार्टनर तो बिल्कुल लिखिएगा न्यू पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई है, आपके पार्टनर के को फाइनेंशियल लॉसेस भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो तो वही मैंने बोला ना, इनके सपने तो सपने कुछ भी यहाँ पूरे नहीं हो पाए हैं, ठीक है, सारे सपने इनके अधूरे रह गए, सारी इनकी ख्वाहिशों पर पानी फिर गया जो सोच के ये गए थे, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और इनके कार्मिक्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्द चल रहे हैं या फिर बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि ये दोनों बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, धीरे धीरे करके आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी के फाइनेंसेस भी डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते ये दोनों इस कदर बुरी हालत इन दोनों की मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कार्मिक्स इनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, कर्मा छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं अगर आपने मैनिफेस्ट किया होगा कि इनको कर्मा मिले तो डेफिनेटली यहाँ पर इनका समय आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है, सो इस डेक से हम देखेंगे क्या कुछ है, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अगर कोई हस्बैंड है या वाइफ है उस तरह का कोई रिलेशन है तो क्या चल रहा है, ठीक है, यहाँ ये तो दिखाई दे गया है मुझे कि दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है एक दूसरे की हालत इन लोगों ने, थर्ड पार्टी ने और आपके पर्सन ने, सो अब यहाँ पर और देख लेते हैं क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, देखो पीठ में खंजर आ गया, देखो यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है, पीठ में खंजर घोप दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर बहुत हालत ख़राब हो रही है, धोखेबाजी चल रही है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में धोखेबाजी चल रही है, तभी ये लोग एक दूसरे से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट, है ना, लवर्स देखो थर्ड पार्टी की लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई और है, ज़रूर किसी और की एंट्री है थर्ड पार्टी की लाइफ में, किसी और के साथ कनेक्शन बिठा रखा है इस थर्ड पार्टी ने, देखो फिर से यही कार्ड आया फाइव ऑफ पेंटिकल्स का, बहुत प्रोमिनेंटली अभी निकल करके आई है यहाँ पर राशि जेमिनाई, मिथुन राशि बहुत ही प्रोमिनेंटली निकल करके आई है, एंड आया था टॉरस वृषभ राशि बहुत ही प्रोमिनेंटली आई थी, ठीक है, बाकी तो सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है, सो यहाँ पर देखो यही हालत, मैंने यहाँ पर भी यही आया ना कि जा रहे हैं एक दूसरे की हालत ख़राब कर रखी है इन दोनों ने, देखो फिर से वही कार्ड आया है जो कि यही बता रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को छोड़ के भाग जाएंगे, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की हालत फाइनेंशियली भी डाउन और फिजिकली भी डाउन, हालत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई और मिल गया है थर्ड पार्टी को, ज़रूर से ज़रूर कोई और है उसकी ज़िंदगी में, अब आपके पार्टनर ना इसका बोझ नहीं उठाया जा रहा है आपके पार्टनर से, बहुत हालत ख़राब हो रही है आपके पार्टनर की, दिख नहीं रहे, बाहर दिखा नहीं रहे, किस मुँह से, कैसे मुँह छुपाए हुए खड़े ना, कैसे मुँह बाहर दिखाएंगे, कैसे अपना चेहरा बाहर दिखाएंगे, कैसे दुनिया को फेस करेंगे, कैसे आपको फेस करेंगे, क्या बोलेंगे किसी से, तो ये बड़ा बहुत थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करके रखी हुई है, दो राहे पे फंसे हुए हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, है ना, किससे सलाह लें, क्या हो गया इनकी ज़िंदगी में, ओहो, ठीक है, तो देखो मून का कार्ड आया है, पाइसिस राशि मीन राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है,
सो देखो किसी और की वजह से, किसी और की एंट्री है जिसकी वजह से इनका रिश्ता बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। एंड ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी है कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान, ठीक है, जिसने जो इन दोनों के बीच में झगड़े करा रहा है। एंड ज़रूर से ज़रूर सामने या तो कोई देखो फ्रेंड है, या तो कोई फैमिली पर्सन है, या तो कोई रिलेटिव है, कोई तो है ऐसा जिसने जो दिखाया उसने अपना बड़ा अच्छा चेहरा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही निकला है या निकली, ठीक है, मतलब दिखाया फ्रेंड या कुछ लेकिन निकले पार्टनर, लवर्स वाला कार्ड, ठीक है, दिखाया है कुछ और है और निकला कुछ और है ये एक्चुअल में। तो इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, दो राहे पे खड़े हो गए हैं कि क्या करें, ठीक है, परेशानियों ने इनको बहुत ज़्यादा अभी घेर के रखा हुआ है। सो कार्मिक्स हैं ये, ठीक है, कहाँ जाओगे, कार्मिक्स तो कर्म तो भुगतने पड़ेंगे ना, किसी की ज़िंदगी में दुख देना, किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ देना, आंसू देना किसी को, और इस तरीके से छोड़ के चले जाना कि बिल्कुल मतलब ही नहीं है, कि सामने वाला रो रहा है, मर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा इन लोगों की ज़िंदगी में, कर्मा तो भुगतने ही पड़ेंगे ना। और यही कर्मा है, धोखा, फिर देखो आपको धोखा दिया था, अब यहाँ इनको धोखा मिल रहा है, यहाँ तो कुछ और ही लवर्स वाला हिसाब किताब चल रहा है, तभी तो यहाँ दो सिचुएशन में फंस गए, ठीक है। और इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी आ रही है ना, बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से इनकी ज़िंदगी में ग्रैंड लगा दी है, बहुत बुरी तरीके से इनकी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ देनी शुरू कर दी हैं इसने, ठीक है। तो चलिए अब इस टेक से हम देखेंगे कि अगर थर्ड पार्टी फैमिली है, पेरेंट है, तो क्या चल रहा है। मजिशियन का कार्ड आया है, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड, राइट, देखो क्या चल रहा है अगर ये फैमिली है तो, पेरेंट्स हैं तो, द मून, अगर फैमिली की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस, सी ये चल रहा है फैमिली के साथ। अगर आपकी लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी है ना यहाँ पर, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फैमिली को देखो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके अलावा कोई और सही पार्टनर नहीं है इनकी लाइफ में, पर क्या हो रहा है वहाँ पर, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं घर में, घर वाले सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, आपके पर्सन सही गलत में डूबते चले जा रहे हैं, घर वाले कुछ और बोलते हैं, आपके पर्सन कुछ और बोलते हैं, आपके पर्सन का बिल्कुल मन है, वो आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, उनका बहुत मन है आपके पास आने का वापस, ठीक है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले ज़रूर इन लोगों ने आपके पर्सन के कान भरे होंगे, पहले आपके पर्सन को ज़रूर इधर उधर आपके खिलाफ़ भड़काया गया होगा, लेकिन अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना यहाँ पर रियलाइजेशन भी हो रहा है, राइट। अब जैसे जैसे आपके साथ तो आपका तो उन्होंने साथ छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन अगर ये पेरेंट्स के साथ रहते हैं या पेरेंट्स के साथ बातें करते हैं तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स लड़ाई करते हैं, मना करते हैं, हो सकता है आप दोनों में रिलीजियस डिफरेंस हो, ठीक है, या आप दोनों में इस तरीके का डिफरेंस है जो कि पूरा नहीं किया जा सकता, राइट, स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है आपका स्टैंडर्ड हाई हो आपके पर्सन से, या आपके पर्सन का स्टैंडर्ड हाई हो, ब्यूटी में भी कहीं ना कहीं आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आप डेयरिंग में भी आप ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, तो एक कॉम्प्लेक्स ज़रूर है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिसकी वजह से फैमिली मना कर रही है, ठीक है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ में है, देखो यहाँ भी आया था मून का कार्ड, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ में है। यहाँ भी लास्ट कार्ड है, देखो यहाँ पे यही कार्ड दिख रहा है, मून का कार्ड, सेम कंडीशन, अगर आपके पर्सन की लाइफ में पेरेंट्स थर्ड पार्टी हैं तो यहाँ पर भी इनकी यही हालत हो रही है, बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है आपके पर्सन का, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अब ना आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कार्मिक्स हो रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर कार्मिक्स चल रहे हैं, तभी जस्टिस का कार्ड आया है। तो यहाँ पर डिवाइन इनको बता रही है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है, तो अब इनको जस्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों का ध्यान तब नहीं रखा, लेकिन अभी काफ़ी कुछ आपके बारे में यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखो अगर आपका रिश्ता बहुत टाइम से टूटा हुआ है, ठीक है, और इस इंसान ने आपको बहुत बहुत तकलीफ़ दी है और आप नहीं चाहते हो कि इसकी शक्ल भी देखना, कभी आप वापस भी ना आए, ठीक है, बट हाँ आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया होगा कि इनको कर्मा भुगतना पड़े, तो बिल्कुल यहाँ पे इनको कर्मा डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड खुद में ही सही गलत को तोला जाता है,
राइट, सही गलत को नापा जाता है, और ये ऊपर ही हो रहा है। ठीक है, हमारा सारा हिसाब किताब डिवाइन ऊपर ही यूनिवर्स में लिखा जाता है। ठीक है, सो जिसके जिसके खाते में जो लिखा जाता है उसी के हिसाब से हमको रिजल्ट भी मिलता है। राइट, तो आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे ये कार्ड्स। राइट, तो अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हो सकता है सीडी की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लेते हैं आप, लाइक कर देते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और बेटर वीडियोस बनाने की इच्छा करती है। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुँच सकें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। राइट, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।